आज हम पढ़ेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। ट्विन प्रेगनेंसी का मतलब है कि जब एक मदर बेबी डिलीवर करते हैं तो अगर उनको दो बेबीज अगर साथ में डिलीवर होते हैं तो उस कंडीशन को हम ट्विन प्रेगनेंसीज कहते हैं। ओके, सो ट्विन प्रेगनेंसी दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, इट कैन बी डाइजाइगोटिक और इट कैन बी मोनोजाइगोटिक। ओके, सो जो डाइजाइगोटिक होते हैं वो फेटर्नल ट्विन्स कहलाते हैं। ओके, वो फेटर्नल ट्विन्स कहलाते हैं क्योंकि वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, मतलब जो दो जायगॉट से फॉर्म होते हैं उनमें हमेशा आप देखेंगे कि फ्रेटर्निटी होती है। मतलब जैसे कोई भी भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन में जो रिसेम्बलेंस होता है एक परिवार के सिबलिंग्स में, सिर्फ उतना ही रिजेम्बलेंस होता है उन ट्विन्स में भी। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे ट्विन्स जो हैं वो नॉन आइडेंटिकल हैं। ओके, दे आर नॉन आइडेंटिकल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मोनोजाइगोटिक। जो मोनोजाइगोटिक होते हैं दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स, दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स बिकॉज ये एक जाइगॉट से फॉर्म हुए ट्विन्स होते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कैसे फॉर्म होते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विन्स तब फॉर्म होते हैं जब एक ही साइकिल में दो एग रिलीज हुए वुमन को और दो स्पर्म्स अवेलेबल थे और दोनों स्पर्म्स ने दोनों एग्स को फर्टिलाइज किया, तो एट द एंड रिजल्टिंग दो जायगॉट्स बने। ओके, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू एग्स विद टू स्पर्म्स दे रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ टू जायगॉट्स। अब ये दोनों जायगॉट जो हैं ये अपने अपने तरीके से क्या करेंगे, दे विल डिवाइड, जो हम जानते हैं कि दे विल डिवाइड इनटू टू देन फोर 16 8 16 इस तरीके से, एंड देन ये अलग अलग जाके क्या होंगे, ये यूट्रस में जाके इम्प्लांट होंगे। इनका अपना ही अलग प्लासेंटा होगा, अलग कोरियोनिक सैक होगा, एमनियोटिक सैक होगा, और ये एक दूसरे के साथ जेनेटिक जो मटेरियल है वो शेयर नहीं करेंगे। इसी वजह से इस जो डाइजाइगोटिक या फेटर्नल ट्विन्स होते हैं वो दोनों मेल्स भी हो सकते हैं, बेबीज दोनों फीमेल्स भी हो सकती हैं, या फिर ये मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। ओके, बिकॉज दे आर बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय डिफरेंट स्पर्म, सो वी कैन नॉट गेस कि कौन सा स्पर्म किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल लेके गया। तो दे कैन बी ईदर टू बॉयज टू गर्ल्स और अ बॉय एंड अ गर्ल। ओके, नाउ हम बात करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के बारे में। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का मतलब है कि एक स्पर्म एक ओवम के साथ फर्टिलाइज हुआ और जो ये फर्टिलाइज्ड ओवम है या जिसको हम जाइगॉट कहते हैं वो जाइगॉट फॉर्म होने के बाद वो स्प्लिट हुआ टू में। ओके, इस तरीके से अगर दो बेबीज फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक, क्योंकि दो जाइगॉट नहीं फॉर्म हुए थे, जाइगॉट जो फॉर्म हुआ वो सिर्फ एक था और ये दो में स्प्लिट हुआ है। इसीलिए आप नाम से समझ सकते हैं कि इट इज़ कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक। सो अ स्पर्म हैज़ फ्यूज्ड विद एन एग एंड दे हैड फॉर्म्ड अ जाइगॉट एंड बाय सम रीजन दिस जाइगॉट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू। अब ये एक जाइगॉट एक बेबी फॉर्म करेंगे और दूसरा जाइगॉट दूसरा बेबी फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे डाइजाइगोटिक में तो इट टेक्स प्लेस ऑन द मोमेंट कि दोनों एग्स थे, दोनों स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया। मोनोजाइगोटिक जो है वो डिपेंड करता है कि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ द जाइगॉट है दो में जो स्प्लिट हुआ है वो कब हुआ है। ओके, अगर ये विद इन 72 आवर्स में अगर स्प्लिट होता है, ओके, जब ये जाइगॉट बना और ये विद इन 72 आवर्स में अगर ये जाइगॉट स्प्लिट हो जाता है, 72 आवर्स का मतलब है कि यहाँ पे इनका जो रिप्लिकेशंस है वो चल रहा है एंड मोरुला स्टेज फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब जो 16 सेल या 32 सेल जो स्टेज है वो नहीं फॉर्म हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर ये जाइगॉट विद इन 72 आवर्स अगर ये स्प्लिट करते हैं तो इनके दोनों अलग अलग क्या बनेंगे, कोरियन और एम्नियोटिक सैक बनेंगे, मतलब अलग प्लासेंटा होगा और अलग एमनियन होगा। तो इस कंडीशन में इनको हम कहेंगे डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक। ओके, दे विल बी डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक, मतलब इनके पास अपना अपना ट्रोफोब्लास्टिक सेल होगा जो अपना अपना क्या बनाएगा, प्लासेंटा, दो प्लासेंटास बनेंगे, दो कोरियोनिक सैक होंगे, अपना एक एमनियोटिक सैक अलग से होगा। तो इसको इन ट्विन्स को हम कहते हैं दे आर डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक ट्विन्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर फोर्थ डे से लेकर एट्थ डे तक के अंदर अंदर अगर ये जाइगॉट, मतलब 72 आवर्स के अंदर अगर ये स्प्लिट नहीं हुए और फोर्थ डे से एट्थ डे के अंदर अगर ये स्प्लिट हो रहे हैं,
तो उतने टाइम में जो ट्रोफोब्लास्ट है दे हैड ऑलरेडी फॉर्म द कोरियोनिक सेगमेंट. ओके, इस वजह से अब अगर ये स्प्लिट हुए तो इनके पास एक ही प्लासेंटा रहेगा. मतलब जो पहले हमने कंडीशन देखा वो ये था कि दिस इज अ प्लासेंटा एंड इस सैक में एक बेबी है एंड इनके पास अलग प्लासेंटा है, इसमें एक अलग बेबी है. ये हमने देखा था इन द डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक चिल्ड्रन. ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 4 to 8. 4 to 8 का मतलब है कि प्लासेंटा एक ही रहेगा और जो एमनियोटिक सेल, क्योंकि इनर मास सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा एंड दोनों बेबीज के पास अपना अपना एमनियोटिक सैक होगा, लेकिन दे विल शेयर द सेम प्लासेंटा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस. ओके, एक्चुअली हम कोरियोनिक वर्ड को पहले ही लिखेंगे ताकि हम कन्फ्यूजन दूर करें. यहाँ पे मैंने एमनियोटिक वर्ड को मतलब उस तरीके से लिखा है. सो वॉट इज हैपनिंग हियर इज, क्योंकि एक प्लासेंटा है, हम कहेंगे कि इट इज मोनोकोरियोनिक एंड क्योंकि दो एमनियोटिक सैक अलग अलग से इनके पास है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज डाई एमनियोटिक. ओके, नाउ वॉट विल हैपन आफ्टर द 8th डे. 8th डे के बाद मतलब इम्प्लांटेशन हो चुका है उसके बाद अगर होता है तो ऑलरेडी जो वहाँ पे एमनियोटिक सैक है उसकी फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुकी है. इसीलिए ऐसे बेबीज जो फॉर्म होंगे दे विल हैव सिंगल प्लासेंटा. ओके, एंड दे विल हैव अ सिंगल एमनियोटिक सैक एंड जो दोनों बेबीज हैं वो एक ही एमनियोटिक सैक के अंदर रहेंगे. ओके, दिस विल हैपन इफ द जायगोट इज गेटिंग स्प्लिटेड आफ्टर द 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. इनके पास प्लासेंटा भी एक रहेगा और इनके पास एमनियोटिक सैक भी एक रहेगा. देन दिस विल बी कॉल्ड एज मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक. ओके, मोनो एमनियोटिक मीन्स दे हैव ओनली वन एमनियोटिक सैक जिसमें दोनों बेबीज हैं एंड मोनोकोरियोनिक बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम प्लासेंटा. ओके, नाउ द मोस्ट रिस्की फैक्टर कम्स इफ द स्प्लिटिंग इज हैपनिंग आफ्टर द 2nd वीक. अगर 2 हफ्ते तक स्प्लिट नहीं हुए थे जायगॉट और उसके बाद अगर स्प्लिट हो रहे हैं तो तब क्या प्रॉब्लम होती है कि ऑलरेडी जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होता है वो फॉर्म हो चुका होता है एंड इस वजह से जो बेबीज अब अगर ये जायगॉट स्प्लिट हुआ और जो बेबीज फॉर्म होंगे दे विल बी कॉनजॉइंट ट्विंस. ओके, कॉनजॉइंट का मतलब है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ओके, इनको हम नॉर्मल में सियामीज ट्विंस भी कहते हैं. ये जो कॉनजॉइनिंग है इट कैन हैपन एट द लेवल ऑफ हेड. ठीक है, माथे से एक दूसरे से या हेड से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं. इट विल बी क्रेनियो. ओके, इसके अलावा इट कुड बी थोराको, चेस्ट पार्ट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इट कुड बी फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड इट कुड बी कॉडल ऑल्सो. कॉडल का मतलब है कि हिप से या पैर से एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है, एंटीरियरली या पोस्टीरियरली. तो ये जो जॉइनिंग ऑफ बेबीज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो फॉर्म हो चुका है. अब दोनों बेबीज अलग अलग से फॉर्म नहीं हो पाते जहाँ यहाँ हो रहे हैं. ये दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी भाग से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. This is the reason why we call these twins as conjoined twins. And they will of course share any of the body parts together. मतलब हो सकता है कि they are sharing the same brain or they are sharing the same gastrointestinal tract या they are sharing the same heart या ऐसा कुछ भी हो सकता है एंड दिस इज़ अ वेरी रिस्की सिचुएशन. ओके, सो यहाँ पे हमने बात किया था कि हाउ द ट्विंस आर फॉर्म्ड. सो ट्विंस कैन बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डाइजाइगोटिक कंडीशन. जो डाइजाइगोटिक कंडीशन होता है उसमें हमने बात किया कि 2 स्पर्म हैं और 2 ओवम अवेलेबल हैं एंड दोनों ओवम दोनों स्पर्म से क्या हुए, फर्टिलाइज हुए. उन्होंने एक एक जायगॉट बनाया तो टोटल में कितने जायगॉट हैं, 2 जायगॉट हैं और ये दोनों जायगॉट फॉर्म करेंगे बेबी को, इसलिए ये डाइजाइगोटिक कहलाता है. और यहाँ पे जो जेंडर है बेबीज का वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है एंड ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं. इनके आपस का रिजेंबलेंस सिर्फ उतना ही होता है जैसे किसी भी घर के भाई बहन या भाई भाई या बहन बहनों में होता है. ओके, नेक्स्ट हमने बात की मोनोजाइगोटिक के बारे में. मोनोजाइगोटिक में सबसे पहली चीज़ कि ये आइडेंटिकल होते हैं बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम जेनेटिकल मटेरियल क्योंकि एक जायगॉट बना था. ओके, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमेशा सेम जेंडर के होंगे क्योंकि स्पर्म एक ही था
ओके, तो जो एक स्पर्म आया उसने जो जेनेटिक मटेरियल दिया होगा इट वुड बी ऑफ अ मेल, मतलब इट वुड बी अ वाई और इट कुड बी अ एक्स. तो उससे जो जायगॉट बनेगा, तो जो जायगॉट बना था वो या तो एक मेल बेबी के लिए बना होगा या तो जायगॉट एक फीमेल बेबी के लिए बना होगा. तो जब ये दो में स्प्लिट होगा तब भी वो मेल मेल या फीमेल फीमेल ही प्रोड्यूस करेंगे. ओके, इसी के साथ साथ हमने बात किया कि ये जो मोनोजाइगोटिक हैं इनकी स्प्लिटिंग के हिसाब से हम कैसे बता सकते हैं. तो अगर ये 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर ये स्प्लिट कर रहे हैं तो इट कुड बी अ कंडीशन जहाँ पे इनके पास दो अलग अलग प्लासेंटास फॉर्म होंगे, मतलब दो अलग अलग कोरियन, दो अलग अलग एमनियोटिक सैक, एंड दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट रूट. ओके, क्योंकि इनके बीच में किसी भी तरीके सो देट विल नॉट बी हैविंग एनी टाइप ऑफ इंटर ट्रांसफ्यूशन. हम अब जब ट्विन प्रेगनेंसी के जो कंडीशन के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कि जब एक ही प्लासेंटा होता है तो किस तरीके से दोनों बेबीज़ में इंटर ट्रांसफ्यूशन की प्रॉब्लम आ सकती है. तो वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है इन द केस ऑफ डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विन्स. ओके, तो दीज आर दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वे ऑफ हैविंग अ ट्विन. सेकेंड क्या था कि अगर फोर्थ और एट्थ डे के बीच में हो रहा है तो मोरूला बन चुका है, यहाँ एक ब्लास्टोसिस्ट भी हो चुका होता है, तो यहाँ पे जो कोरियन है वो डेवलप हो गया और इस वजह से प्लासेंटा एक ही रहेगा एंड जो बेबी है वो दो में डिवाइड होकर दे विल हैव देयर इंडिविजुअल एमनियोटिक सैक. सो दिस विल बी कॉल्ड एज डाई एमनियोटिक एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मोनोकोरियोनिक. ओके, नेक्स्ट था एट्थ वीक के बाद. एट्थ वीक के बाद क्या हुआ कि ऑलरेडी जो इनर सेल मास था उसने एक एमनियोटिक सैक और बे डेवलप करना स्टार्ट कर लिया है, इस वजह से प्लासेंटा भी एक ही रहेगा तो इट विल बी मोनोकोरियोनिक एंड जो एमनियोटिक सैक है वो भी एक ही रहेगा, एक ही सैक के अंदर दोनों बेबी होंगे, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स. ओके, एंड लास्ट हमने बात किया कि अगर सेकेंड वीक के बाद होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एम्ब्रियोनिक डिस्क ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, इसीलिए बेबीज विल हैव एनी ऑफ द पार्ट्स जॉइंट विथ ईच अदर. तो इसको हम कॉन्जॉइंट ट्विन्स या फिर सियामीज ट्विन्स कहते हैं एंड दे विल हैव द प्रॉब्लम कि किसी एक पार्ट से वो अटैच्ड है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वे या द फीचर्स जिस तरीके से ट्विन प्रेगनेंसीज अकर होते हैं. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अवेलेबल होंगे. थैंक यू.